स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बते से फेमस हुए करण पटेल ने बिग बॉस ओटीटी शो के बारे में ये क्या कह दिया। सुन बिग बॉस के मेकर्स को आ जाएगा गुस्सा। कलर्स टीवी के विवादित रियलिटी शो में बिग बॉस के लिए करण पटेल को कई बार कॉन्टेक्ट किया गया है। एक्टर ने हर बार इन ऑफिस को ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि ये शो उनके बस की बात नहीं है। हाल ही में करण से बिग बॉस ओटीटी के बारे में पूछा गया और जवाब में एक्टर ने इसे बेवकूफी कहा। करण ने कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि बिग बॉस ओटीटी क्या है और उन्हें लगता है कि ये सब एक जैसा है। करण ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये बिग बॉस ओटीटी क्या है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है और ये इतनी बेवकूफी भरी है कि मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं कि इसे समझा भी जाए। इस बीच बिग बॉस ओटीटी अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार शो को अनिल कपूर होस्ट करेंगे जिसके प्रोमो कुछ दिन पहले ही प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर किया जा चुका है। हालांकि शो के कंटेस्टेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन अफवाहों की माने तो शहजादा धामी, प्रतीक्षा होनमुखे, तनुश्री दत्ता, मैक्सटर्न, दलजीत कौर और बाकी लोकप्रिय चेहरों का शो के लिए अप्रोच किया गया है। बिग बॉस ओटीटी का पिछला सीजन बेहद पॉपुलर रहा था जिसमें एल्विश यादव ने ट्रॉफी उठाई थी और अभिषेक मल्हान पहले रनर अप के रूप में सामने आए थे। आपको बता दें एल्विश यादव एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थे और उन्होंने खिताब लेकर चर्चा का विषय बन गए थे, यानी टॉक ऑफ द टाउन बन गए थे।